हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हेमा जादवानी किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सर्दियों में बहुत ही खास रेसिपी, इम्यूनिटी बूस्टर और हड्डियों को मजबूत कर देने वाली खजूर के लड्डू लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे ड्राई फ्रूट खा खा के परेशान हो जाते हैं, तो ये लड्डू बना के आप उनको खिलाएंगे तो वो आसानी से और खुश हो के खाएंगे। एक एक लड्डू अगर आप रोज भी खाएं तो इससे खुद को तरोताज़ा और फिट महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, ये खजूर के लड्डू बनाएंगे हम आज, तो उसके लिए हमने 250 ग्राम खजूर लिया है। लड्डू बनाने के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, जिसमें हमने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ा सा हमने घी लिया है और थोड़े से हमने पिस्ता लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं और थोड़ी सी हमने खसखस ली है और थोड़ी सी किशमिश ली है और ये थोड़ी सी इलायची ली है हमने। ये 10-12 इलायची हैं जिसको हमने कूट के रखा है अच्छी तरह से। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। जो डेट्स है ना फ्रेंड्स, खजूर लिए हैं जो हमने, इसकी गुठलियां हमको अंदर से निकाल देनी है। ये देखिए, इसी तरह से करना है। ऐसे करके सारों को हमको छील देना है। फ्रेंड्स, ये हमने खजूर की गुठलियां निकाल के और इसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। पीसने के बाद जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये आसानी से गल जाएंगी। ये कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी के डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ओनली 2 चम्मच। घी मेल्ट होना चाहिए, घी को ज़्यादा हमको गर्म नहीं करना। घी में बादाम डालेंगे और ये काजू डालेंगे और ये पिस्ते डालेंगे और इनको थोड़ा सा हमको फ्राई करना है। सारे ड्राई फ्रूट को हमको घी में हल्का सा फ्राई करना है। हमने इसको हल्का सा भून लिया है, अभी हल्के से भून गए हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमको इस ड्राई फ्रूट को पिंक नहीं करना है, हल्का सा भून के और निकाल देना है। घी में हमने किशमिश डाल दी है, अब इसको भी हमको हल्का सा ही भूनना है। फ्रेंड्स, ये जो किशमिश और जो ये ड्राई फ्रूट है, इन सबको भून के डालने से हमारे जो लड्डू का स्वाद है वो बहुत ही बढ़ जाता है। हमारी किशमिश कितनी फूली फूली और अच्छी बन गई है, दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इस घी में हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम ये खजूर डालेंगे जिसको हमने मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया था। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है और इसको हमको पिघलाना है अच्छी तरह से। ये देखो, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको इसको अच्छी तरह से पिघलाना है। फ्रेंड्स, इस लड्डू में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसको खाने से हमारी हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप इस खजूर के लड्डू में पानी नहीं डालेंगे तो आप इसे काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। पानी डालने से ये ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। ये खजूर हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है और अब हम इसमें खसखस डालेंगे और ये ड्राई फ्रूट है जिसको हमने हल्का सा भून लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो बच्चे
ड्राई फ्रूट खाते नहीं हैं, लेकिन इस लड्डू में डाल के आप बनाएंगे तो बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, बच्चे बूढ़े सब इसको शौक से खाएंगे। ये मुलायम और नरम बहुत ही अच्छे होते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं एक तरह से ये लड्डू आपके लिए। अब इसको हमने गैस से उतार दिया है, अब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। ये देखो ऐसे हमको लड्डू बनाने हैं, चाहे तो अब इसके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं, चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फ्रेंड्स इसमें जो हमने बादाम डाले हैं, वैसे तो बच्चे बादाम नहीं खाते, लेकिन इस लड्डू में आप बादाम डाल के या ड्राई फ्रूट डाल के उनको देंगे तो ये विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बादाम खाने से हमारी याददाश्त तेज होती है और दिमाग भी हमारा तेज होता है। फ्रेंड्स ये देखो लड्डू बनके हमारे तैयार हो गए हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं और इम्यूनिटी से भरपूर होते हैं ये लड्डू, और सर्दियों में तो खास करके ये लड्डू बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।